फार्मर को एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर सोयल कमजोर है थोड़ी सी 6x8 6x10 6x12 पे, तो इस प्रकार से हम लोग अगर काम करेंगे, पौधों को अगर हम लोग स्पेस देंगे, सोयल हेल्थ पे काम करेंगे, वाटर मैनेजमेंट पे अगर हम काम करेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलेगी और फ्रूट की जो क्वालिटी होगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। वो फ्रूट आप यहाँ से लोड करके कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई दे पाएंगे। तो सभी किसान साथियों से एक ही अनुरोध है कि डॉक्टर साहब के साथ मिलके, नोनियू के साथ मिलके, रेड लेडी की जो लाइफ है हमें वो और भी एक्सटेंड करनी है, आगे बढ़ा देनी है। मेरा नाम डॉक्टर एस के नेहरा है, नोनियू सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज ए जोनल मैनेजर। ओके सर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जांगी नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए हरिपुरा जब्बार भाई के यहाँ पे, जिनका हम परिचय लेंगे, साथ ही जो बगीचा इन्होंने पपीता का लगाया है उसके बारे में जानकारी लाएंगे। हाँ भैया, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है, का रहने वाला हूँ। हाँ, ये भैया ने बगीचा लगाया है, इसके बारे में सर से और जानकारी लेंगे। सर, जो ये रेड लेडी वेराइटी लगाई है, कैसा क्या लगा फील्ड हमारे फार्मर का प्रैक्टिस आपको? सबसे पहले दोबारा आपका धन्यवाद डॉक्टर विवेक जी का, कि मुझे आज ऐसे प्लॉट दिखा रहे हैं जिन प्लॉटों को देख के बहुत अचंभित हूँ। मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि ये रेड लेडी के जो प्लांट आज हमें ये दिखा रहे हैं कि रेड लेडी है, तो इन्होंने रेड लेडी को भी सुपर रेड लेडी से डुपर रेड लेडी करके दिखा दिया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो हमारे किसान मित्र हैं, ये जो बगीचा है उनके बड़े भाई का बगीचा है, लेकिन आज वो इनके किसी काम से बाहर गए हैं, तो इनका काम उनका काम ये देखते हैं, इनका काम वो देखते हैं। ये जो मोहब्बत की मिसालें हैं ये कहीं कहीं मिलती हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेड लेडी 786 के फ्रूटिंग कहाँ से शुरू हो गई है, आप देख पा रहे होंगे, एक फिट से ही प्लांट के अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, और अभी तक बिल्कुल फ्रेश हमारा प्लांट दिखाई दे रहा है। कहीं भी कोई भी वायरस है, फीड जैसिड काट है, किसी प्रकार का कुछ ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा है कि कोई बीमार पौधा हो, क्योंकि इन लोगों ने जो काम किया है वो सोयल हेल्थ पे भी कुछ डॉक्टर साहब ने मिलके काम करवाया है। तो सर, और कोई सवाल जवाब है आपके कुछ तो बताएं मुझे। ये पूछना चाहता आप फार्मर को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए सर, कि और सुधार हो व बीमारियां नहीं आए? सर, सबसे पहले इस बगीचे में मैं थोड़ा सा अगर देखना चाहूंगा, तो इन्होंने पौधे से जो पौधे की दूरी है वो थोड़ी सी कंजस्टेड कर दी है, जिसकी वजह से आने वाले समय में हवा के द्वारा दो तत्व लिए जाएंगे पौधे को, वो कम मिलेंगे। दूसरा, कंजस्टेड होने से वायरस इफेक्टेड होने के थोड़े से खतरे बढ़ जाते हैं। हालांकि इस प्लाट में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने सोयल के ऊपर काम कर रखा है। फार्मरों को एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर सोयल कमजोर है थोड़ी सी 6x8 6x10 6x12 पे, तो इस प्रकार से हम लोग अगर काम करेंगे, पौधों को अगर हम लोग स्पेस देंगे, सोयल हेल्थ पे काम करेंगे, वाटर मैनेजमेंट पे अगर हम काम करेंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलेगी और फ्रूट की जो क्वालिटी होगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। वो फ्रूट आप यहाँ से लोड करके कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई दे पाएंगे। तो सभी किसान साथियों से एक ही अनुरोध है कि डॉक्टर साहब के साथ मिलके, नोनियू के साथ मिलके, रेड लेडी की जो लाइफ है हमें वो और भी एक्सटेंड करनी है, आगे बढ़ा देनी है। सर, जैसे खरपतवार नजर आ रही है, तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है अभी? सर, जो ये खरपतवार आज नजर आ रही है, हमें क्या करना है, जो बीज का आप चैनल एक बार दिखाएंगे क्या, इसमें से एक फिट का जो बीज का चैनल है उसकी थोड़ी सी मिट्टी हम लोग लेफ्ट हैंड, थोड़ी सी राइट हैंड, इस प्रकार से अगर हम मिट्टी लगा देंगे थोड़ी थोड़ी करके दोनों साइड से, तो ये चैनल जो बनेगा, आज जो रूट है ना हमारे पपीते की, किसान भाइयों, वहां रूट नहीं है, यहाँ रूट, आज यहाँ से भोजन और पानी की पपीते को यहाँ से लेना है, तो ये जो बीच का जो स्पेस है इसकी थोड़ी सी मिट्टी यहाँ और यहाँ लगाएंगे, तो भोजन और पानी अच्छे से मिलेगा। पपीते के अंदर कभी भी वायरस से इफेक्टेड जो होता है, बोलते हैं कि सर फंगस आ गया, पपीता गल गया, वो इसलिए गड़ता है कि पपीते के डंठल पे पानी लगता है। इसको बेड पे बना देंगे, बेड प्रिपेयर कर देंगे ढंग से, तो सर एक नंबर का पपीता आपका रहेगा। तो इन चीजों को एक दूसरे साथी, किसान साथी के साथ, सर जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आपके पास आज हजारों लाखों आपको फॉलो करते हैं आपके चैनल से, तो आपके चैनल को और आपको दोनों को बधाई देना चाहूंगा कि आप ओपन माइंड, सबको हर चीज ओपन माइंड बताते हैं। तो डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी चीज क्या लगी, कि वो कभी भी कोई भी चीज अपने चैनल से, जैसे कुछ लोग करते हैं कि नर्सरियां चला रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बना ली कि जो छुपा लें। डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी खासियत क्या है, कि जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने प्रैक्टिकल किए, वो हमारे देश, पूरे भारत देश के लिए यूट्यूब के माध्यम से बांटा। तो धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब आपका, बहुत 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 आभारी रहेंगे हम नॉन न्यूज। और वाटर मैनेजमेंट में सर क्या करना है, जैसे आपकी वाटर मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या है कि जब फ्लावरिंग आती है, तो किसान क्या कर देता है कि फ्लावरिंग आ रही है, अब हमें वाटर बहुत ज्यादा देना चाहिए।
उस टाइम पे हमें वाटर की जो जरूरत है देने की, वो स्टेप बाय स्टेप हमें वाटर मैनेजमेंट कर देना चाहिए। और जब हमारा ये लगे कि जो फ्रूट का जो आकार है वो 200 ग्राम 250 ग्राम 300 से लेकर 1 केजी के आसपास तक फ्रूट का आकार होगा, उस टाइम पे पपीता न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और अगर बात करें तो वाटर मैनेजमेंट, दोनों को बड़े तरीके से और सलीके से हम लोगों को इसको देना पड़ेगा, तभी हम लोग सक्सेस रेट ज़्यादा ले पाएंगे इसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर का आए हमारे पास समय निकाल कर किसानों से मिले। बिल्कुल, एक बार और शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर अपना। मेरा नाम डॉक्टर एस के नेहरा है, नॉन यू सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज ए जोनल मैनेजर। ओके सर, थैंक यू।